अब ठीक है ना? लतीफ, ये दवाई सनम को। लतीफ, जब जरूरत होती है उसकी कभी नहीं मिलता। सुनो, डॉक्टर ने दवाई भेजी है, कहा है इमीडिएटली लेने के लिए। मैं यहां पर रख रहा हूं, तुम ले लेना, ठीक है? देखो, आंखें खोलो और देख।
छोड़ के मत जा, वो लोग मुझे मार देंगे। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ के मत जा। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। बढ़ना नहीं चाहती हो, कोई मुझे बचा लो। आयल वो मुझे मारना चाहते, मैं बढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ। आयल मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे वो लोग, मुझे मार देंगे वो। It's okay. It's okay. Relax. Relax, relax. मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, I promise you. उसे होश आया? नहीं, अभी वो पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं आई है। और वो मिला क्या? हाँ, वो हमने ढूंढने की पूरी कोशिश की। हम दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। भूल जाओ उसे, वो ऐसे नहीं मिलेगा। तुम दोनों सनम पर नजर रखो हर वक्त। हमें पता है कि वो वसीयत सनम के पास ही है। वो वसीयत हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। समझ गए तुम लोग? जी बेगम साहिबा। और याद रहे, अगर इस बार तुम दोनों की वजह से कोई गड़बड़ हुई तो नहीं बेगम साहिबा, इस बार कोई गलती नहीं होगी। छोड़ के मत जा।
Hi, Neda. नहीं, actually आज मैं नहीं आ पाऊंगा. मतलब हर चीज की कोई वजह नहीं होती है. I just want to be alone. Yeah, okay, bye. ये हो क्या रहा है मुझे? What's happening to me? आपको कल शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको इस घर में ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़ा। आपको सही लगा, मुझे ये इशारों की जुबान नहीं आती, लेकिन आपको देखकर इतना समझ गया था कि जो मुझे आप समझाने की कोशिश कर रही थी वो मेरा समझ जाना आपके लिए कितना जरूरी था। इसलिए मैंने इंटरनेट पे देखकर समझने की कोशिश की थी। मेरे शौहर को इस घर से निकलवाने के बाद अब ये चुड़ैल मेरे भाई के ऊपर डोरे डाल रही है। नहीं, मैं इसे अपना ये घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। इससे पहले कि ये कोई और पेश लड़ाए, मैं इसकी डोरी काट दूंगी। सिर्फ चेक आर यू ओके? अब ये सब किसने किया? पता नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानती।
मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इतनी रात के वक्त कर क्या रही थी, किससे मिलने गई थी तुम? मत बताना किसी को खतरा। तुमसे पूछ रहा हूं मैं। बड़ी अम्मी से मिलने तो मैं रास्ते में जा रही थी, ये लोग मेरे पीछे लग गए, फिर भागते भागते मैं कब्रिस्तान पहुंच गई। अगली बार तुम्हें इतने रात के कहीं जाना हो तो प्लीज अकेले मत जाना, ओके? इनफैक्ट उस रात तुम्हें अकेले जाने नहीं देना चाहिए था, सब मेरी गलत है।